नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के झांसी में पूर्व विधायक ने आशा की किरण जगाई। झांसी मोठ में नगर में पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने मोठ के व्यापारियों आशा की किरण जगाई। कहा, मौका मिला तो हर मामले में आदर्श होगा मोठ नगर, क्या बोले विधायक। देखिए, झांसी से ऋषभ कनकनी की रिपोर्ट। कहते नहीं है कि जब भी कभी लड़ाई का वक्त हो तो सबसे पहले परिवार इकट्ठा होता है। वैसे ही हमारे परिवार के लोग अपनी अपनी दुकानों में बैठे थे, सब छोड़ के आए हैं। तो भैया, हम सब संगे हैं, इन्होंने एहसास कराया है। हम लोगों ने भी कहा कि हमारे रिश्ते ज़मीन से बंधे हैं और ये ज़िंदगी के साथ बंधे रह सकते हैं। ज़िंदगी जब नहीं रहेगी तभी टूटेंगे मोठ के रिश्ते, बंधा नहीं तोड़ सकता कोई और। मैंने अपील की और मुझे फिर खुशी है कि सभी लोग पूरे दुकान वकान काम छोड़ के सब बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि हालात अच्छे हैं, लोगों का प्यार समर्थन है, गांव-गांव में भी समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी ने वादे तो बड़े किए पर जमीन पर काम नहीं किया गरीबों के लिए। गरीबी बढ़ी है, रोजगार भी घटा है, बड़ा नहीं है, लोगों का टर्नओवर भी घटा है। कहीं ना कहीं गुस्सा है भाई, सरकार से लोग उम्मीद तरक्की की चाहते हैं, उन्हीं के वोट है, उन्हीं का नोट है, उनके पैसे से उनकी तरक्की के सवाल पूरे होने थे। अब ये बातें जाति धर्म में बदल कर फिर लूटना चाहते हैं लोगों को। लोगों में अवेयरनेस आई है, लोग राजनीति को समझ रहे हैं। 5 लाख करोड़ का बजट, अगर ये बजट 5 साल गांव पे खर्च हो जाए तो गांव की शहर बन सकता है। और पैसा भी पूरा लोगों का है। मैं कह सकता हूँ कि ये चालाक तरीके से राजनीति जो हो रही है इसको लोग समझे हैं। अब ना जाति और धर्म के नाम से लड़ने वाले नहीं है, सब मिलकर एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो सरकार करी है फैसले लोगों की तरक्की के लिए, नफरतें हटाएंगे हम लोग, मोहब्बत का माहौल पैदा करेंगे, बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करेंगे, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो उस पर काम करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर उस पर काम करेंगे और एक अच्छा माहौल बने इसी कोशिश करेंगे। मोठ को अबकी बार अभी हम लोग मोठ में जितना पैसा पिछले 5 साल में समाजवादी सरकार में मोठ नगर पंचायत को मिला था, इतना सब सरकारों ने 25 साल में नहीं दिया था। आगे भी हमारा मौका मिलेगा। अबकी बार मोठ को आदर्श नगर, अगर नगर पंचायत नहीं, हर मामले में आदर्श बना देंगे। एक अच्छा माहौल बनाकर, अच्छी व्यवस्था बनाकर, यहाँ पर सब्जी मंडी, यहाँ पर और मीट कारोबारी लोगों का जो लोग भी है छोटे बड़े व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए बेहतर बाज़ार कैसे हो। जब झांसी में किसान बाज़ार बन सकता है तो मोठ में क्यों नहीं बन सकता। सबसे कम पैसे में अच्छी दुकान कैसे मिले, ये कोशिश करेंगे। बढ़िया बाज़ार बनाएंगे, सुंदर, बिल्कुल बड़े शहरों की तरह, और सबसे कम पैसे में गरीब आदमी को मिले, आम आदमी को मिले, दुकानदार को मिले, ये कोशिश करेंगे।